आज की वीडियो में स्मूथ की से हम बना रहे हैं घर पे आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट आइसक्रीम। तो वीडियो का ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस बेहतर वीडियो करते हैं शुरुआत। ये लाया हम स्मूथ, आप भी देख सकते हैं। और स्मूथ आइसक्रीम हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी आइसक्रीम स्टिक की, आप ये देख सकते हैं। मैं आइसक्रीम स्टिक भी ले आया हूँ और एक चाकू की जरूरत पड़ेगी बस। तो सबसे पहले हमें इस चाकू की मदद से इसके ऊपर छेद कर लेना है, स्मूथ के ऊपर। तो सबसे पहले हम छेद करते हैं स्मूथ के ऊपर, तो यहाँ पे छेद करना है। तो अब मैं इसके ऊपर छेद करता हूँ, आप वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आप भी देख सकते हैं मैंने चाकू की मदद से इसके ऊपर छेद कर लिया है। तो अब हमें आइसक्रीम स्टिक को इसके ऊपर डालना है। तो ये आइसक्रीम स्टिक भी हमने डाल लिया, आप ये देख सकते हैं। तो इसको अब हमें डालना है फ्रिज में 24 घंटे के लिए। तो अब इसे हम डालते हैं फ्रिज में। आप भी देख सकते हैं मैंने फ्रीजर को खोल दिया है और मेरा स्मूथ को मैंने रख दिया है पूरे 24 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर। 24 hours later. तो आज है अगला दिन, मैं ये निकाल के ले आया हूँ, आप देख सकते हैं 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम इसे खोलते हैं। खोलने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें इस चाकू की, जिससे हमने छेद किया था उसी चाकू से हम खोलते हैं आप इसको। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। साइड से खोलना है, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको खोल दिया है और ये एकदम शेप में लिखनी है, एकदम डब्बे शेप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शेप बना है इसका। तो आप इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है कैसा नहीं। काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, एकदम चॉकलेट आइसक्रीम लग रही है, एकदम मस्त लग रही है। आप इसको घर में बना सकते हैं, कितना ईजी प्रोसेस था आपको मैंने पूरा दिखाया, देख सकते हैं आप, वो भी 10 रुपये में खाली। बस आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।